नमस्कार साथियों, गुरु गीता के कुछ संकेत बहुत महत्व के हैं। वो कहती है कि आत्मा में गुरु बुद्धि के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। वह उससे ही हमारा कर्तव्य मनोनीत करती है। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यम सत्यम वरानने तल्लाभार्थम प्रयत्नत्सु कर्तव्यश्च मनीषी भी है। कि इस गुरु बुद्धि का अर्थ है कि हम सदा सीखने को तत्पर हैं। दत्तात्रेय बुद्धि भी ऐसी ही है। उनके 24 गुरु हैं और उनके नाम हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वैश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी कीट, ये उनके गुरु हैं। इनके नाम गिनाने से पहले दत्तात्रेय आत्मा को ही अपना गुरु बता चुके थे। हमारे भीतर क्या इन चीज़ों के प्रति गुरु भाव है? अजगर का तो हम शिकार करते हैं, कपोत का भी, मछली, हिरण, हाथी, सर्प, इन सब का भी। हम तो हिरण का सिर ड्राइंग रूम में लगाने वाले लोग हैं। हम शिकारी बुद्धि के लोग हैं, गुरु बुद्धि के नहीं। मछली के तैरने या पक्षी की उड़ान में जो रिदम है, जो बीट है, जो स्वतंत्रता और निर्भयता है, हम उससे नहीं सीखते। हम हर जगह मार ही मार रहे हैं। और हत्यारी बुद्धि व गुरु बुद्धि में तात्विक फर्क है। पशु कल्याण किसी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बनता। इन सब पशु पक्षियों को गुरु मानने का अर्थ यह है कि उनमें चेतना है, जबकि हत्या में आनंद लेना हमारा अचेतन होना है। देसी अमेरिकी कहते हैं कि पशु हमारे रिश्तेदार हैं। गाय को माँ कहने वाले हम लोग भी उसी रिश्ते में उसे देखते थे। पशुओं को अपने सगों की तरह देखने से आगे बढ़कर उन्हें अपने गुरु की तरह देखने वाली दत्तात्रेय चेतना का मतलब यह है, उन पशुओं पक्षियों के पास भी एक दृष्टि है, वे सिर्फ दृश्य नहीं है। कवि कुलगुरु वाल्मीकि की कवि चेतना का प्रवाह व्याध दृष्टि के विरुद्ध ही हुआ था। कभी ड्रेयर की पुस्तक द एनिमल डीलर्स पढ़िए, तब उस व्याध वृत्ति की विकृतियां समझ आएंगी। पशु सिर्फ इसलिए मार दिए जाएं कि वे अंग्रेजी या अरबी नहीं बोलते। और बात सिर्फ पशुओं की ही नहीं है, कीटों की भी है और पंचतत्वों की भी है। गुरु बुद्धि पृथ्वी को भी बस गुरुत्वाकर्षण की टर्म्स में ही नहीं देखेगी। अलेक्जेंड्रा डॉमेल कहती हैं कि नेचर इज अवर ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ सरेंडर, ऑफ अलॉइंग, ऑफ सिंपली बींग। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के 5 तत्व ही नहीं, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र तक को गुरु मानने वाली मनीषा एक विनम्र मनीषा है, जो सभी से सीखने को उत्सुक है, जो सभी को चेतना से संपन्न मानने की बुद्धि से संयुक्त है। हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था, समुद्र भगवान राम का कुल गुरु था। ये एक आउटडोर लर्निंग थी। इसलिए जॉन लबाक ने कहा कि अर्थ एंड स्काई, वुड्स एंड फील्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, द माउंटेन्स एंड द सी आर एक्सलेंट स्कूल मास्टर्स एंड टीचर्स मोर देन वी कैन एवर लर्न फ्रॉम बुक्स। ये पृथ्वी और ये आकाश, ये पशु पक्षी, ये सूर्य चंद्र, ये सभी तो वास्तविक श्री हैं। इस श्री को गुरु बनाना प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव को जगाना है, और तभी एक ऐसे मानव समाज का निर्माण हो सकेगा जो सीखने में रुचि रखता है। अन्यथा तो वो एक रावणी वृत्ति है जो कहती है कि लाग से अदम सिखावन मोही। तो कई बार हम अपने अहम के चलते अपने गुरु को चीन ही नहीं पाते हैं। एक पतंगा हमें क्या सिखाएगा, मसल कर रख देंगे साले को। पर वही शलभ महादेवी की दीपशिखा जैसे गीत संग्रह की प्रेरणा बनता है। एक पक्षी माया एंजेलाओ की आई नो वाई द कैचेड बर्ड सिंग्स जैसे कविता संग्रह लिखना सिखा सकता है। एक समुद्र से जयशंकर प्रसाद को महाजल प्लावन लिखने की प्रेरणा मिलती है। पृथ्वी माइकल लेवर्स को आफ्टर अर्थ लिखने को प्रेरित करती है। वायु जॉन एशबरी को नोट्स फ्रॉम द एयर लिखने को प्रेरित करती है। स्पाइडरमैन का विचार मकड़ी से आता है और उससे भी पहले ब्रह्म के उड़नाभि होने का विचार भी उससे जन्म लेता है। यदि जानने की इच्छा है तो गुरु प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे। वह बहुरूपता, वह वैविध्य, वह संपन्नता, वह समृद्धि ही श्री है। इसलिए विराट पुरुष नहीं, विराट प्रकृति भी गुरु है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।